बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्राम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आने वाले दिनों में आम चुनाव के बाद पहले उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती काफी ज्यादा तैयारी में लगी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन जिस दिन तोड़ा था, उससे पहले भी उन्होंने यूपी की अपने लखनऊ के अंदर दिल्ली स्थित आवास पर बैठक की थी। उसके बाद उन्होंने लखनऊ में भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर उनको दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी खास तौर से उन जगहों पर ध्यान दिया जा रहा है जिन जगहों पर उपचुनाव होने, उनको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती कल भी यानी आज 6 जुलाई को बैठक करेगी। वहीं इससे पहले 2 जुलाई को भी वो बैठक कर चुकी है आधे मंडल की। उस समय उन्होंने कानपुर सहित कई मंडलों की बैठक की थी, आगरा और कानपुर जो मंडल था उसकी बैठक की थी, और आज उनकी जो लखनऊ गोरखपुर सहित जो मंडल है उनकी भी बैठक करने जा रही है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले जो बैठक हुई थी उसमें भी कई जो पदाधिकारी थे उनको फेरबदल किया गया था, कईयों को नयों को जिम्मेदारी दी गई, तो कई पर पुराने जो साथी थे उनको बाहर से बुलाकर जहाँ पर लगाया गया। जैसे मुनकाद अली राजस्थान के राज्य प्रभारी थे लेकिन उनको अब उत्तर प्रदेश वेस्ट यूपी में ही लगा दिया है। जहाँ अशोक सिद्धार्थ दिल्ली के प्रभारी हैं उनको भी यूपी की तरफ है काम दिया जाएगा। इसी प्रकार अब लखनऊ मंडल बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और खास भी, क्योंकि लखनऊ में बसपा के काफी ज्यादा पदाधिकारी भी हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। इस लिहाजा से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ये चाह रही है कि किसी भी हालत में लखनऊ मंडल जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय रहना और मजबूत होना जरूरी है। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है और कल ये बैठक है वो 10 बजे बसपा सुप्रीमो मायावती की जो लखनऊ स्थित आवास पार्क मॉल 6 वेन्यू है उसके अंदर ये शुरू हो जाएगी। इस बैठक में क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आज आपको बता दें कि 6 जुलाई को बसपा सुप्रीमो मायावती इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लेने वाली है, ये बैठक खत्म होने के बाद हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको बता दें कि लगातार हर खबर हर वीडियो आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। मिलेंगे किसी नए वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना।